हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों एसएसबी कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली का जो आपका पेपर चल रहा था, जिसके अंदर कल आपका आपका ट्रेड का पेपर हो चुका, ड्राइवर और कुक का, पर आज आपके जो बाकी ट्रेड्स का था उनका पेपर था, पर टेक्निकल इश्यू की वजह से रिजेक्ट हुआ। वो क्या कारण हुआ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा, और उसमें जो आपके चार सवाल वो मैं आपको डिपेंड करने वाला हूं। जैसे फर्स्ट सवाल है कि ड्राइवर और कुक वाले पेपर पर कोई असर पड़ेगा क्या, फर्स्ट बात। दूसरी बात, क्या इनके आंसर के पहले आएगी क्या। तीसरी बात ये आएगी कि नेक्स्ट डेट क्या हो सकती है। और चौथी बात, पेपर कैंसिल क्यों हुआ। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको कंफर्म कर देता हूँ, ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 यूट्यूब चैनल आपके साथ हमेशा से जुड़ा और हमेशा से जुड़ा रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जैसे नेक्स्ट डेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों बात यहाँ पर आती है कि नेक्स्ट डेट के बारे में क्या बोला, जो इंटेलिजेंस की एजेंसी के जो वहाँ पर थे एसएसबी के नौजवान, उन्होंने एक ही बात बोली कि नेक्स्ट डेट आगे से आपकी मेल या ईमेल आईडी पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। पर मैं आपको देखो, जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक मेरे पास आपकी जानकारी है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी आ रही है कि 7 से 8 दिन के अंदर आपको यहाँ पर न्यू एग्जाम डेट मिल सकती है एसएसबी कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली की। आपको न्यू एग्जाम डेट की फ्रेश इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। अब बात आती है कि न्यू एडमिट कार्ड दूसरा आएगी कहीं नहीं आएगा, बिल्कुल आपका एडमिट कार्ड दूसरा आएगा। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये एडमिट कार्ड हमारा होगा, ये सेंटर होगा नहीं, आपका एग्जाम सेंटर भी चेंज होगा और आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड भी दूसरा आएगा। आपकी तीसरी बात कि कुक और ड्राइवर वालों पर क्या असर पड़ेगा। देखो कुक और ड्राइवर वालों को असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना इनके आंसर की पहले आएगी और इस पर असर पड़ेगा भी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी एग्जाम हो चुकी है पहली, तो उनका क्या असर पड़ेगा दोस्तों, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 1% ही प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ इतना हो सकता है जो कुक और ड्राइवर वाले जो बच्चे हैं वो यदि एग्जाम देकर आए हैं, उनसे आप यदि पेपर के बारे में एनालाइज करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। अब बात आती है कि आपका पेपर हार्ड आएगा या नॉर्मल आएगा, तो दोस्तों बता दूँ आपका यहाँ पर पेपर हार्ड या नॉर्मल की बात करूँ तो आपका यहाँ पर पेपर हार्ड या नॉर्मल वो कोई नहीं बता सकता, आपका पेपर आएगा तभी आपको पता चलेगा दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक बात और निकल कर आ रही है, बहुत सारे बोल रहे थे कि यहाँ पर क्या ऑल इंडिया का पेपर पोस्टपोन हुआ, बिल्कुल ऑल इंडिया का पेपर कैंसिल हुआ। ये मत सोचे कि ऑल इंडिया का पेपर कैंसिल नहीं हुआ, पूरा का पूरा ऑल इंडिया का पेपर कैंसिल हुआ, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इसमें ऑल इंडिया का पेपर ही था, ऑल इंडिया का पेपर पूरा का पूरा एक साथ कैंसिल हुआ, क्योंकि 5:30 बजे के लगभग आपका यहाँ पर पेपर कैंसिल हो चुका, तो 5:30 बजे के लगभग यहाँ पर बच्चों को निकाला गया था, वो चीज़ आप ध्यान रखना। टेक्निकल इश्यू ये आ रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कहीं पेपर आउट हुआ है नहीं हुआ। देखो जब तक कोई सबूत नहीं जाता तब तक मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा आपका आउट हुआ है कि नहीं हुआ। वो बात आगे की बात है, वो हमने करेंगे, वो एसएसबी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा काम था कि हमें आपको इन्फॉर्मेशन देना। बाकी देखो आगे जो भी कोई अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजानगर साथ। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।